सोलन पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। शिक्षा मंत्री समापन समारोह में काफी विलंब से पहुंचे, जिसकी वजह से कुछ टीमें आने से पहले ही रवाना हो चुकी थी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में देश की NSG टीम ने प्रथम स्थान और गुजरात की पुलिस टीम ने द्वितीय स्थान हासिल किया और हिमाचल की टीम पिछली बार की तरह इस बार भी क्वार्टर फाइनल में ही पहुंच पाई। वहीं एकल में BSF अधिकारी DSP सिंह और अक्षय आहूजा प्रथम, पंजाब के आशीष कपूर और OP दीक्षित दूसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने देशभर से आई टीमों का हिमाचल में आने पर धन्यवाद किया और विजी टीमों को उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि पुलिस को हमेशा 365 दिन 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है, जिससे वह हमेशा तनाव में रहते हैं और उनका तनाव केवल इस तरह की प्रतियोगिताओं से ही कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजकों से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। 18वीं लॉन टेनिस प्रतियोगिता जो पुलिस विभाग की है, आज इसका समापन कार्यक्रम था, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 23-24 टीमें जो हैं वो भाग ले रही थी और बहुत अच्छी प्रकार से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से हिमाचल प्रदेश और जिस स्थान पर यह प्रतियोगिता होती है उसका जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक्सपोजर होता है, जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वो लाभदायक भी है। इस मौके पर DGP हिमाचल SR मंडी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की पुलिस लॉन टेनिस प्रतियोगिता को हिमाचल में पहली बार आयोजित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सोलन में आयोजित इस प्रतियोगिता में जहां एक और पुलिस अधिकारियों को तनाव से मुक्ति मिली, वहीं उनमें एक नए रक्त का संचार भी हुआ। इसमें कुल 23 यूनिट अलग अलग राज्यों से, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स से और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से भाग लिए हैं। 118 पार्टिसिपेंट्स ऑफिसर्स, जो DSP ASP से लेके DGP रैंक तक ऑफिसर्स ने भाग लिया है और कुल मिला के 200 मैच खेले गए हैं और पार्टिसिपेंट्स बड़ा अच्छा स्पोर्टिव स्पिरिट से खेले हैं और जैसे जंग की लड़ाई होती है उस तरह का लड़ाई इन्होंने स्पोर्टिव स्पिरिट इन्होंने दिखाया है और ये हमारा पहला गेम्स हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके पहले हमारे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे करना है, लेकिन हमने इस बार इसको स्वीकार किया और हिमाचल में ऑर्गेनाइज किया और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो खुश रहे।